हाय दोस्तों, फरिंस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ मलाई बर्फी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी बिना गैस जलाए ब्रेड से बनाएंगे हम मलाई बर्फी। कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने ये घर पर बनाई है, सेम मार्केट जैसी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मलाई बर्फी की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 6 स्लाइस ले लिए है ब्रेड के, इसके साइड्स को हमें कट करना है। सारे ब्रेड्स के हमें साइड्स को कट करना है और इसे हमें रफली कट करके लेना है। कर लिया हमने सारे ब्रेड को कट। अब ले लेंगे एक मिक्सर का जार, उसमें डाल देंगे हम कट किए हुए ब्रेड सारे और इसे हम पीस लेंगे अच्छे से। देखिए ब्रेड को हमने पीस लिया, इस तरह से पीसा है हमने। अब ले लेंगे एक बाउल, पीसे हुए ब्रेड को हम बाउल में निकाल लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम पीसी हुई चीनी 1/2 कप। चीनी कम या ज्यादा आप अपने पसंद से डाल सकते हो। और डालेंगे इसमें हम 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, और डालेंगे इसमें हम 1/2 कप मलाई। ये मैंने दूध पे जमी हुई मलाई ली है, अच्छे से फेट कर लिया है मैंने इसे। मलाई आपको फेट कर ही डालनी है। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मलाई के गीलेपन से ही बैटर अच्छे से बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हो इसमें, गर्म किया हुआ ठंडा दूध। कर लिया हमने अच्छे से मिक्स। अब हमें बर्फी को सेट करना है, उसके लिए ले लिया मैंने एक टिफिन बॉक्स। अगर आपके पास टिफिन बॉक्स नहीं है इस तरह का, तो आप प्लेट में भी इसे सेट कर सकते हो। बटर पेपर डाल के हम इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। आप सिर्फ घी से भी ग्रीस कर सकते हो। जो हमने मलाई बर्फी का बैटर बनाया डाल देंगे इसमें। अच्छे से हमें चारों ओर फैलाना है इसे और इक्वली स्प्रेड करना है अच्छे से। कर लिया सेट हमने अच्छे से। अब रख देंगे इसे हम 15 मिनट के लिए साइड में और 15 मिनट के बाद इसे हम कट करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं बर्फी को सेट करके रखे हुए। अनमोल्ड कर लेंगे हम इसे, बटर पेपर निकाल लेंगे। मार्केट जैसा लुक देने के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे सिल्वर पेपर। सिल्वर पेपर लगाते वक्त थोड़ा साइड में चला गया था, इसलिए मैंने इसे ठीक कर लिया है बीच में लेकर। अब डालेंगे इसके ऊपर से हम लंबे पीसेस में कटे हुए बादाम और पिस्ता, उसे भी मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया है। स्क्वायर शेप में हम बर्फी को कट कर लेंगे। अगर आपको डायमंड शेप में बर्फी को कट करना है तो कर सकते हो। छोटे या बड़ी साइज उस हिसाब से आप करिए, आपको जितनी चाहिए उतनी। कट कर लिया हमने बर्फी को। देखिए कितने अच्छे से बनी है हमारी घर पर मलाई बर्फी। कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये घर पर बनाई है। आपको मेरी मलाई बर्फी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू।